वायदा बाजार में सोयाबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। आज 15 नवंबर 2021 को हफ्ते के पहले कारोबारी दिन NCDEX पर सोयाबीन के दिसंबर वायदा में 4% का ऊपरी सर्किट लगता नजर आया है। सोयाबीन की कम आवक और तेल मिलों की अधिक मांग के कारण सोयाबीन की कीमतों में तेजी आई है। सरकार तिलहन और खाद्य तेलों पर स्टॉक सीमा के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के बारे में बहुत सतर्क है, जो देश में कीमतों को नियंत्रण में रखते हैं। वहीं सी के अनुसार सोयामील का निर्यात इस साल सितंबर में तेजी से घटकर 5,831 टन रह गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 68,576 टन था। अमेरिका के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों में भी सोयाबीन की फसल उम्मीद से कम होने के कारण कीमतों को समर्थन मिला है। उद्योग निकाय सोपा के अनुसार उच्च बुआई क्षेत्र और उत्पादकता में संभावित सुधार के कारण इस वर्ष सोयाबीन का उत्पादन 14% बढ़कर लगभग 119 लाख टन होने का अनुमान है। वहीं वर्तमान में सोयाबीन की डिमांड अच्छी है, जो आगे और भी बढ़ेगी। पोल्ट्री इंडस्ट्री से भी डिमांड आएगी, जो आगे अच्छी ही रहेगी। जानकारों के अनुसार NCDEX पर सोयाबीन अगर 5600 के ऊपर की क्लोजिंग डेली बेसिस पर दे देता है तो आगे कीमतों में और बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं जानकारों के अनुसार 2022 की शुरुआत में सोयाबीन 6000 के ऊपर के भी भाव दिखा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।